लव सो हिट है, हाँ लव सो हिट हो गई है। पुरानी आदत आजा ना करो, मुझे रुलाओ मत, मुझे रुलाओ, दिन याद मत करो जिसका बोल रहे पता नहीं। ओके गुड मॉर्निंग, हो गया होमवर्क? कब से बैठ के होमवर्क करके अभी लेट के फिर उठी है। चलो मीनो जा, फैयाज को उठा, ऊपर से आई ना तू अभी जाके। ट्यूशन का टाइम हो गया उसका, छोड़ दे ही रख दे। हाँ एक्स्ट्रा सामान मैं निकाल लिया कर यार, बैग मत भर भर के लेके जा तू। बाय अल्लाह हाफिज, संभाल के जा। बाय अल्लाह हाफिज, संभाल के जाओ। अल्लाह हाफिज। टाइट है, आपके फैयाज मेरे उठे नहीं है, मैं पानी लगा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपनी जुमान में रखे। कोई दुख परेशानी मेरी किसी भी यूट्यूब फैमिली की तरफ या मेरी फैमिली की तरफ, मेरी बहन भाइयों की तरफ, किसी की तरफ नहीं है। चलिए फिर आज के ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सो आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। अभी नमाज हुई नहीं है, अभी ये बाकी है नमाज। और आपके फैयाज वजन आ गए क्या स्माइल देते हैं सुबह सुबह, एकदम खतरनाक वाली स्माइल देते हैं मेरे हस्बैंड। हाँ फ्लैट हो जाना चाहिए बीवी देखने के बाद फ्लैट। अब कितनी बार फ्लैट करोगे? हाँ ऐसी थोड़ी फंसाया तुमने मेरे को। राज की बात के हम लोगों की लव स्टोरी ना अगर आप लोगों को मैं सुनाने बैठूंगी ना तो ना ही आपके ना क्या बोलते होठों से हंसी छूटेगी और ना ही आपके आंखों से आंसू रुकेंगे। मतलब हम लोगों की लव स्टोरी ऐसी इमोशनल प्लस क्या बोलते हैं उसको, नहीं इमोशनल प्लस क्या हो गया, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी वाली स्टोरी है। मतलब ऐसी सिर्फ ट्रेजेडी हमारी लव स्टोरी में हुई है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती गई हैं और क्या बोलते हैं उसको इमोशनल, हाँ इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हुआ है, वो तो हर एक की लव स्टोरी में होता है आप लोग को पता है। तो हमारी स्टोरी में भी ऐसी इमोशनल ये वो, लेकिन फिर भी लव स्टोरी हिट है, हाँ लव स्टोरी हिट हो गई है एट द एंड लव स्टोरी हिट हो गई। हाँ चले कोई नहीं, इंशाल्लाह शेयर करेंगे, आप लोग करते भी हो मैसेज के मदीना पर शेयर करो। तो एक दिन फुर्सत में आपके फैयाज भजन को पकड़ के बिठाती हूँ कि चलो आप तुम शेयर करो, क्योंकि अकेले तो वैसे भी मज़ा नहीं आने वाली, मुझे भी पता है, जब तक कि साथ में ये नहीं हो कि आपके फैयाज भजन के साथ में वो पुराने पल को याद करके जब पानी भर ली मैंने, ओ डियर खाली पीने का पानी भरना, पुरानी यादें ताजा ना करो, मुझे रुलाओ मत, मुझे रुलाओ, दिन याद मत करो जिससे मेरे को रोना आ जाए चले पानी तो मैंने भर लिया। एक फायदा ये रूम में ये है कि पीने का पानी तो आपके फैयाज भजन को भरना पड़ता है क्योंकि उसका नल ऊपर है। हाँ ये जो टाकी वाकी का पानी है ना, इसका वाल जो है ना एकदम नीचे है ना, इधर मैं बाहर निकलूँ ना, यहाँ से मैं बाहर जाऊँ, बाजू में वाल है मैं घुमा देती हूँ। और जो पलक है ना यहाँ पे है, मैंने बताया भी था, पलक नहीं सॉरी बटन, वो मैं लकड़ी से चालू कर देती हूँ तो वो पानी फटाफट से ऊपर और नीचे दोनों की टाँकी जो है ना मैं भर लेती हूँ। तो ये एक है कि पानी भरने का यहाँ पे टेंशन नहीं है, और खाली पीने का पानी क्या ना, या तो आपके फैयाज भजन उड़ गया तो वो भर ले, तो या फिर नुमैर उड़ जाता है ना, तो दोनों में से कोई ना कोई भर लेता है। बंद कर दो चाय, घर बना दी मैंने। तो ये एक है कि हाँ चलो, और मैं ना क्या करती हूँ, माही जैसा जाती ना मैं वैसे ही लगा देती पानी, पानी तो आता है 11 बजे तक ये, लेकिन मैं क्या करती हूँ लगा देती हूँ, क्योंकि ना भरोसा नहीं ना, कभी कभी पानी जल्दी भी चला जाता है आप लोगों को मालूम है, कभी कभी 11 के बदले 10:30 बजे भी चला जाता है। तो बोले नहीं वो धोखा नहीं होना चाहिए, पहले पानी भर लो, उसके बाद में पीने का पानी तो बाद में भी भर लेंगे।
चले आज का व्लॉग स्टार्ट रखते हैं, स्किप मत करें। और हाँ, आज के व्लॉग में पता है आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूंगी। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के सवाल है, किसको लेके? मेरी देवरानी को लेके। हाँ, ये सवाल आप लोगों के बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा चले आज मेरी YouTube फैमिली के इन सवालों का जवाब जरूर देते। तो ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, और लाइक नहीं किया अल्लाह मेरी बहन लोग जल्दी लाइक कर दो, और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? चले पोहा बना रही हूँ, मेरे से मंगाई मैंने सिर्फ 1.25 किलो पोहा, नाश्ते में पोहा बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। दो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होगी, बढ़िया होगी, मज़े में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा हमारी बाजी, आपकी बाजी को, हमारी बाजी, आपकी बाजी, हमारी बाजी, और आपकी भतीजी को लगे, भतीजी भांजी को लगे, भांजी को, अरे माई को, क्या क्या बोल रहे पता नहीं यार। तो गाइस, तो सुबह का नाश्ता नहीं हुआ ना, कड़कपो गया नहीं अभी तक, इसके लिए कुछ भी निकल रहा है मुझे, समझ गई? कड़कपो नहीं गया, मेरी पोहा बन रहा, पोहा खाओ। तो ये सुबह का नाश्ता देखो, आज का बन रहा है तवा, सॉरी पवा, है ना, ये पवा बन रहा है। आज हमारे कड़क पाव की छुट्टी हो गई है, कड़क पाव की जान बच गई। पोहा रेडी, ले इसे निकाल के ना मैं रोटी के डब्बे में डाल देती हूँ, फिर इसके अंदर कड़क हो जाता है। ले कितना चीज ले ले बेटा, मीनो दवा लाने का है माही की, नहीं वहां से डॉक्टर के पास से दूर है, यहाँ से दूर है क्या? बहुत चल के जा सकते लो। हाँ लाया कीचड़ है बाहर ना पूरा, रख दे भाई। क्राफ्ट पेपर लाने वाली थी, लाई क्या उसने? क्राफ्ट पेपर नुमेर, क्राफ्ट पेपर ली आरी दोस्तों के साथ। अच्छा मीना, अल्लाह ला उसका माई का, माई का, माई का पेपर है। चल ये क्या है, ये हो गया, चलो माही आ गई है अभी, इसको दवा भी लाने का। माही हाँ, पप्पा गए, भाई लेके जाएगा, पप्पा बोले मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, भाई दिला के लाएगा दवा, तो पहले नाश्ता कर ले। चल तेरा पोहा बनाई हूँ मैंने, चल हाँ पोहा बनाई हूँ, टिफिन में भी दे दूँ ना पोहा ही। दाल दो, एक दाल दो, दे दे खा ले, चल आंटी को दे पैसा, 100 रुपये देना, वो देंगे छुट्टा है आंटी को। ये खोले तुमने ना? क्या खोला नुमेर ने? चोटी खोला उसकी, नीचे का ये चोटी बांधा। अल्लाह नुमेर ये क्या किया, ये तूने किए? खोल ये नुमेर, ये खोल अच्छे से, खोल चल। चलो बाल बन गए इसके, चल बेटा लेके जाओ सुदावा, लेके आ जाके बोलना बुखार अभी फिलहाल 6-6 घंटे में आ रही है, अभी नहीं आ रही ना, 6-6 घंटे में आ रही है, जल्दी आ रही थी ना, अभी 6 घंटे में आ रही, बोलना। हाँ दी ना तेरे को मैं 500 रुपया, मैं थैली ले ले जा, 500 दी, घुमा के नहीं आना। हाँ बच्चे ला पैसा बराबर लेके आना। खाया मम्मा बोमिल मच्छी? खाया बोमिल मच्छी? खाया हाँ, पेट भर के खाया है बोमिल मच्छी, गए बाइक लेके गया लगता। ये इतना इसका बन गया है, मैंने क्राफ्ट पेपर ले लिया। क्राफ्ट पेपर लाई? जल्दी आ गए तुम लोग, बाइक पे गए थे, मैं समझ गई थी, मेरे को आवाज आई थी बाइक की। चलो मैं बता, दवा बता, दवा क्या लेकर आई? हाँ वापस मैंने बोल दी सेम दवा, मैं जाके बोल दी अंकल ये दवा दे दो।
ऐसे थोड़ी बोलने का, आपने बोले थे ना? यही दवा नहीं बोलने का, ऐसे थोड़ी बोलने का, यही दवा दे दो। बुखार कम हुई है, थोड़ा कम कम आ रही है, पहले से जैसा नहीं आ रही है। हाँ ये दिए नहीं तूने, बोली अंकल कल जो चॉकलेट वाली दिए थे ना, वो ऑरेंज वाली। हाँ चलो ठीक है, लेकिन चेक करें ना, ये तो अगर ये नहीं, अगर इससे नहीं हुआ ना मेरे को, हाँ बुखार कम नहीं हुई, तो वो टैबलेट का चिट्ठी दिए वो ले लो। नहीं इससे तो कम हो रही है ना, इससे कम हो रही तो यही यूज कर लो। हाँ हाँ चल दवा पी ले, अभी नाश्ता तो कर ली तूने, दवा पी ले। टोटल 150 रुपया, 155 लिए। चल ठीक है, बाकी का पैसा मेरे पॉकेट में डाल दे। चलो आज माही के डाइट चार्ट में पावा है, तो आज माही को वैसे भी घर में पावा बन गया, तो माही टिफिन में पावा लेके जाएगी। करे हिफाजत करे बच्चे की, पहला ऑफिस। हाँ बारिश ही नहीं आ रही है रे माही, रेनकोट पहनने के लिए तुझे रेनकोट पहनने ही नहीं मिल रहा माही को। अजान हो गई, चल कहाँ गया वो? क्या कर रहे हो तुम? रहने दो रहने दो, वो सब मैं कर दूंगी। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। कहाँ है भाई? नमाज जाने वाला है ना वहाँ से वहाँ। अल्लाह मेरा नुमेर ने आज मेरा एक काम कर दिया। कितने का आया बेटा? 12 रुपया, 12 रुपया कर दिया, मतलब अभी 4 लीटर ही लाया तूने, मतलब। जाइए बाथरूम में रख, आला खत्म हो चुका था।